हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइट ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 7A से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उन सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला जो है वो एंगल। देखिए, डिफिनेशन से रिलेटेड जब हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल वाला जो वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें डिफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है ना। तो आपको अगर डिफिनेशन से ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस डिफिनेशन को बस समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखकर एक्सप्रेस भी किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा एंगल। तो एंगल क्या होता है? तो एंगल का अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, देन इट फॉर्म एन एंगल। तो ये क्या चीज बनाएगा? एंगल बनाएगा। देखिए, दो रे, एक इधर, ये मान लेते ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और एक ये, तो दो रे है यहाँ पे, और ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहा है? एंगल फॉर्म कर रहा है। या फिर दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ रे, ठीक है ना, डिग्री ऑफ रोटेशन जो होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड नंबर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, तो देखिए इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा? मान लेते हैं ये एक एंगल बनाए ए, ओ और बी, तो इस रेडियस के अंतर्गत जो भी आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस जो आप ले रहे हैं इस डिस्टेंस के अंतर्गत, या फिर कहें कि ये दोनों रे के बीच में जो भी पॉइंट आए, ठीक है ना, ये जो भी पॉइंट आएगा, जितना भी यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रॉ किया, ये सारे इस एंगल के अंतर्गत हैं, और जो इसके अंतर्गत आएंगे उसको इंटीरियर कहेंगे। और मान लेते हैं यहां पर अगर कोई पॉइंट रहे, यहां पर रहे, तो ये क्या है? एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पे मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, हम थीटा माने हैं, मान लेते हैं ये एंगल जो है इसको हम थीटा मान लेते हैं। जैसे कि आप लोग वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड मानते हैं, तो उसी तरीके से हम वेरिएबल एंगल थीटा माने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोर देन 90 डिग्री, मतलब कि इस तरीके से नहीं, ये एंगल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब मोर देन 90, तो 90 तो ऐसा होता है लगभग, और यहां से ये ज्यादा होगा बट लेस देन 180 होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम फोर्थ नंबर देखें तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा? ये 180 से ग्रेटर होगा थीटा का वैल्यू बट लेस देन 360 डिग्री, मतलब नीचे साइड में जो भी, जैसे इस तरीके से जो भी बनेगा एंगल, जैसे यहां पे मान लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है ना, ए ओ और ये बी, तो इस तरीके का एंगल जो बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम, मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी है, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और जो सिक्स नंबर है वो सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ ए और बी मतलब दो अलग अलग एंगल, ठीक है, या फिर दो इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री होने के लिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं।
तो यहाँ सेकंड नंबर में दिया गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कॉम्प्लीमेंट में जानते हैं कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर एक 55 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 इज इक्वल टू 90 माइनस 55, ठीक है ना। क्योंकि या फिर आप मान लीजिए लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं सेकेंड का फर्स्ट, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, हम एक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पे पहला तो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 35 इसका वैल्यू। या फिर सिंपल वे में आप समझे क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 इज इक्वल टू डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, 90 माइनस 55 इज इक्वल टू 35। आप सिंपल वे में इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और ये अगर करते हैं तो बहुत अच्छा। सेकंड नंबर अगर देखें तो हम देखिए लेट द रिक्वायर्ड एंगल हम सब में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 16 डिग्री है तो 16 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और 74 डिग्री, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या करेंगे, थर्ड नंबर में 90 है तो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल कहने का मतलब क्या है, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल कहने का मतलब है, चलिए इसे इरेज पहले करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर 2/3 ऑफ अ राइट एंगल दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में 2/3 ऑफ अ राइट एंगल का मतलब पहले आप समझिए, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इसको इसका पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जा रहा है, 60 डिग्री आ जा रहा है। मतलब कि 60 डिग्री का ये जो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल दिया गया है, इट मीन्स इसका कितना का, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, ठीक है ना, एक्स मान लिए। अब अगर यहां एक्स माने हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर देखते हैं। थ्री नंबर में दिया गया फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 42, ये हो जाएगा 138 डिग्री। उसके बाद जो ये तो पहला क्वेश्चन था, थ्री का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि जो एंगल दिया गया है उस एंगल को अगर सप्लीमेंट पूछ रहा है तो 180 से माइनस कर देना है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो 90 से माइनस कर देना है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से एकदम समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम कहीं से भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 124 डिग्री दिया गया है, तो अगर हम थर्ड नंबर सॉल्व करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 124, एक्स प्लस 124 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 120,
4, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 56 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 4 नंबर में आप देखिएगा तो 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, 2/5 ऑफ अ राइट एंगल का मतलब क्या है, 3/5 ऑफ अ राइट एंगल मतलब 3/5 इंटू 90 डिग्री, और इससे इसको अगर क्रॉस करे तो कितना आ जाएगा, 18/5 = 90, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हमारा आ जाएगा 54, ठीक है ना। तो ये 54 डिग्री हमारा आ गया। तो यहां से आप क्या करिएगा, फिर उसी तरीके से x + 54 = 180, x = 180 - 54 डिग्री करेंगे, और 54 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 126, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये तीनों क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस का वीडियो फर्दर अपलोड किया जाएगा। और इससे पहले कहीं भी आपको कोई भी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर देख लें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।